जम्मू कश्मीर के पुलवामा में शनिवार को सीआरपीएफ के काफिले पर बड़ा आतंकी हमला हुआ। हमले में 2 सब इंस्पेक्टर समेत 8 जवान शहीद हो गए। यह हमला उस वक्त हुआ जब सीआरपीएफ जवानों का काफिला पंपोर शहर से गुजर रहा था। घात लगाकर बैठे आतंकियों ने सीआरपीएफ की बस पर हमला बोल दिया। हमले में सब इंस्पेक्टर वी के चंद्रन और संजय कुमार के साथ हेड कांस्टेबल वीर सिंह, जगतार सिंह, कांस्टेबल सतीश, कैलाश यादव, संतोष साहू और राजेश शहीद हो गए। वहीं सीआरपीएफ की जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकी भी ढेर हो गए, जबकि 2 अन्य भागने में कामयाब रहे। भारी मात्रा में हथियार भी सुरक्षा बलों ने बरामद किए हैं। लश्कर ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। आज सीआरपीएफ के डीजी मौके का मुआयना करेंगे। जिनको भागने का मौका नहीं दिया गया है और इन पाकिस्तानियों को मौके पे ही मार गिराया गया है, तो यू रियली कैन नॉट से देयर इज अ लैप्स। शोपिया में शनिवार को पुलिस टीम को उस वक्त भारी सफलता मिली जब हिजबुल के मॉड्यूल को ध्वस्त कर 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से पुलिस ने एक AK मैगजीन, 30 कारतूस और चाइनीज ग्रेनेड बरामद किया। इन आतंकियों पर 2 ग्रेनेड हमले का आरोप है। शनिवार को उरी में भी आतंकवादियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। लचीपुरा इलाके में आतंकवादियों के होने की सूचना पर पुलिस और सेना ने संयुक्त अभियान चलाया था। लुधियाना में कपड़ों के एक शोरूम में सरेआम गुंडागर्दी की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गईं। यहां 20-25 गुंडों ने पौश घुमार मंडी इलाके में स्थित एक शोरूम पर हमला कर दिया। गुंडों ने वहां पर मौजूद हर शख्स की पिटाई की। यह पूरा मामला संपत्ति विवाद से जुड़ा है, जिसमें 2 भाइयों के बीच झगड़े में से एक भाई ने अपनी संपत्ति शोरूम मालिक को बेच दी थी, जिसके बाद ये हमला हुआ। दुकान पे बैठे थे जी, सुबह बहुत सारे लोग ऐसे ही घुस गए अंदर। उनके पास लाठियां भी थी, एक के पास रिवॉल्वर भी था। वो घुस गए, उन्होंने आते ही मारना शुरू कर दिया मेरे हस्बैंड को। बहुत फीना जब्ती हुई और बाहर खींच के लेके जा रहे हैं। लखनऊ के जानकीपुरम इलाके में एक सिरफिरा आशिक ने एक तरफा प्यार में लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी। लड़की को उसके पड़ोस में रहने वाले सुमित ने प्रपोज किया, लेकिन लड़की के इनकार करने पर उसने लड़की के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी और खुद फरार हो गया। पड़ोसी के घर में इनका ये घायल अवस्था में मिली है और सर में गोली लगी हुई है, और जो लड़का है उनका, जो पड़ोसन है उनका, जो लड़का है वो फरार है। तो प्रथम दृष्टया यही लग रहा है कि कुछ लड़के का इसमें कुछ मामला है। यूपी के शामली में एक युवक ने अपनी प्रेमिका की गोली मारकर हत्या कर दी। बाद में उसने खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली। युवक का नाम भरत सिंह है और मुजफ्फरनगर के तिताबी थाना क्षेत्र का रहने वाला था। ग्रेटर नोएडा में एक होटल में कुछ लोगों ने खाना खाने के बाद दाल में मांस का टुकड़ा डालकर हंगामा किया। लोगों ने होटल स्टाफ से भी बदतमीजी की। होटल वालों ने डरकर माफी मांगी, लेकिन बाद में सीसीटीवी फुटेज से खुलासा हुआ हंगामा करने वाले अपने साथ लेकर आए थे मांस का टुकड़ा। सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करी, जिसमें हमने पाया कि इन्होंने टेबल के नीचे से निकाल कर कोई चीज उस प्लेट में रखी। इंदौर में पुलिस वाले बंद कराए 2 ठगों ने एक सराफा व्यापारी से दिन दहाड़े 39,500 रुपए ठग लिए। ठगों ने इस व्यापारी को ड्रग्स रखने के बहाने रोका और तलाशी के दौरान रुपए ले गए। यह पूरी घटना पास लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस इन ठगों की तलाश कर रही है। यूपी के बलिया में पुलिस ने करीब 80 किलो गांजे के साथ एक परिवार को पकड़ा। बच्चों को मोहरा बनाकर गाड़ी से गांजा लेकर छपरा से बनारस लेकर आ रहा था, तभी रास्ते में इनकी गाड़ी की एक दूसरी गाड़ी से टक्कर हो गई। ग्रामीणों ने पीछा कर गाड़ी को रोक लिया। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पूरा मामला खुला। फैमिली के रूप में कार से जाते थे, इससे पहले भी उन्होंने बताया कि उन्होंने डिलीवरी दी है और इसकी नारकोटिक्स ड्रग की डिलीवरी दी है, और फैमिली लेके साथ जाते थे, जिससे अगर चेकिंग हो तो चेकिंग में फैमिली देखकर पुलिस की चेकिंग गहराई से। मथुरा के माठ थाना इलाके में खेत से महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। रेप के बाद महिला की हत्या की आशंका है। महिला की उम्र करीब 35 साल बताई जा रही है। महिला की पहचान नहीं हो पाई है। धौलपुर में सरकारी स्कूल के टीचर पर लगाए छात्रा से रेप का आरोप। छात्रा 7 महीने की गर्भवती है। छात्रा के पिता ने स्कूल टीचर के खिलाफ महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई है। मामला दर्ज होने के बाद आरोपी शिक्षक परीक्षित सिंह फरार है। वहीं शिक्षा विभाग ने आरोपी शिक्षक को निलंबित कर दिया है। पठानकोट में आपसी कलह से तंग पति पत्नी के सुसाइड करने का मामला सामने आया है।
शराब को लेकर अक्सर पति पत्नी में झगड़ा होता था, जिससे दुखी होकर पहले पत्नी ने जहर खाकर जान दे दी। पत्नी को देख पति ने भी जहर खाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस मामले की जांच कर रही है। संभल के 17 लोगों के खिलाफ आतंकी गतिविधियों में शामिल होने को लेकर दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया है। पुलिस ने इन लोगों के खिलाफ दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया है। इनमें से 7 युवकों पर आतंकी संगठन के लिए काम करने का आरोप है। रोहतक में रेलवे में भर्ती के नाम पर युवकों से 40 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पति पत्नी बनकर हरीश और सोनिया उर्फ संतोष ने कई जिलों में युवकों को चूना लगाया। इन्होंने फर्जी वेबसाइट बनाकर उस पर बाकायदा इन युवकों के रोल नंबर दिखाए और इनके घर फर्जी नियुक्ति पत्र भी भिजवा दिए, लेकिन जब नियुक्ति नहीं हुई तब इन ठगों का पर्दाफाश हुआ। अब इनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आम आदमी पार्टी के विधायक दिनेश मोहनिया की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली में सियासी पारा गर्मा गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज इस मुद्दे पर पार्टी विधायकों की एक बैठक बुलाई है। वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से ओखला इलाके में एमएम खान के कत्ल के सिलसिले में पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टरों में एनडीएमसी के चेयरमैन कंवर सिंह तंवर और महेश गिरी की गिरफ्तारी की मांग की गई है। पुलिस तंवर और गिरी को पहले क्लीन चिट दे चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे से आईपीएल मैच शिफ्ट किए जाने को लेकर दिया बयान। कहा, जहां कहीं भी स्टेडियम है उनमें क्रिकेट खेला जाए या न जाए, मैदान को हरा रखने के लिए पानी की जरूरत होगी। पीएम ने कहा, पता नहीं लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि यहां मैच नहीं होने पर पानी का छिड़काव भी नहीं करना होगा। क्रिकेट का मैच हो या न हो, 365 दिन उनको तो पानी छिटकना ही पड़ता है, लेकिन देश ने मान लिया कि मैच बंद हो गई तो पानी छिड़कना बंद हो गया, मान लिया देश ने, धन्य हो। महाराष्ट्र में सूखे को देखते हुए इस बार कोर्ट के आदेश पर पुणे से आईपीएल मैच दूसरे राज्य में शिफ्ट कर दिया गया था। आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान ने पीएम मोदी पर तीखा हमला बोला। मान ने मोदी को बताया उड़ता प्रधानमंत्री। भगवंत मान ने एनएसजी मामले में मिली असफलता को बताया मोदी सरकार की विदेश नीति और कूटनीतिक असफलता। मान ने केजरीवाल सरकार को बदनाम करने की हर कोशिश के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ बताया। पूरा देश जो है उड़ता प्रधानमंत्री से दुखी है, आज भी मेरे ख्याल में कहीं चले गए। अगर ऐसा नहीं हो रहा कि हमारे जो जिन जिन कंट्रियों का दौरा किया वो उन्होंने भी विरोध किया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया तो उन्होंने विरोध किया, तो इसका मतलब यह है कि फॉरेन पॉलिसी में हम पीछे हैं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी की तरफ से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, शिपाल यादव, अमर सिंह समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। इफ्तार पार्टी के दौरान मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के ठीक बगल में बैठे दिखे अमर सिंह। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी शनिवार को पटना में इफ्तार पार्टी दी। इस मौके पर आरजेडी प्रमुख लालू यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी समेत बिहार कैबिनेट के तमाम मंत्री मौजूद थे। नीतीश और लालू ने एक दूसरे को टोपी पहनाई और गले मिलकर मुबारकबाद दी। नीतीश ने सभी को रमजान की मुबारकबाद दी तो वही लालू ने साफ कहा कि बिहार में सांप्रदायिक ताना बाना बिगाड़ने वालों की दाल नहीं गलने वाली। भारत की यही संस्कृति है, इसको बिगाड़ने का बहुत लोग कोशिश करता है। हमारी सद्भावना भाईचारे को बिगाड़ने का जो कोशिश करता है उसका दाल गलने वाला नहीं है। शनिवार को नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी हाई कमीशन में दी गई इफ्तार पार्टी। पाक उच्चायुक्त की तरफ से अलगाववादियों को भी इफ्तार पार्टी का न्योता दिया गया था, लेकिन इस बार पाकिस्तान को हुर्रियत से मिला झटका। हुर्रियत की तरफ से कोई भी बड़ा नाम पाक उच्चायुक्त की इफ्तार पार्टी में शामिल नहीं हुआ। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में आईफा अवार्ड समारोह में लगा सितारों का जमावड़ा। अलग अंदाज में ग्रीन कारपेट पर पहुंचे उड़ता पंजाब के मॉन्टी सिंह, गधे पर सवार होकर आईफा अवार्ड में पहुंचे अभिनेता शाहिद कपूर। दीपिका ने आईफा में लगाया ग्लैमर का तड़का, कढ़ाई वाले व्हाइट नेट और ग्रीन स्टोन की ज्वेलरी में सजी नजर आई दीपिका पादुकोण। आईफा में सफेद फ्रॉक में नजर आई सोनाक्षी सिन्हा, रणवीर सिंह के साथ ली सेल्फी, व्हाइट और स्किन कलर के कॉम्बिनेशन में बेहद खूबसूरत दिखी शिल्पा शेट्टी। आईफा में पहुंचे रणवीर सिंह ने मीडिया कर्मियों से खुलकर की बातचीत। अपने चुलबुले अंदाज से कभी करण जौहर तो कभी फवाद खान को छेड़ते दिखे रणवीर। रणवीर सिंह ने अर्जुन कपूर को किया मिस, जन्मदिन पर बधाई देते हुए गाया गाना।
आईफा में लाल ड्रेस में हॉट अंदाज में नजर आई अभिनेत्री अमीषा पटेल, वहीं पत्नी लारा दत्ता के साथ ग्रीन कार्पेट पर पहुंचे महेश भूपति। वेस्ट इंडीज दौरे के लिए संजय बांगड़ बने टीम इंडिया के बैटिंग कोच, अभय शर्मा को बनाया गया फील्डिंग कोच, चीफ कोच अनिल कुंबले बॉलिंग कोच की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। अगले महीने चार टेस्ट के लिए रवाना होगी टीम इंडिया, घरेलू सीजन के लिए सपोर्ट स्टाफ का बाद में होगा ऐलान। कोच न बनने से मायूस है रवि शास्त्री, मीडिया से साझा किया अपना दुख, कहा 18 महीने तक युवा टीम के साथ कामयाबी का सफर तय करने के बाद कोच बनने की थी उम्मीद। शास्त्री का आरोप, इंटरव्यू के वक्त सौरव गांगुली नहीं थे वहां मौजूद। भारत के पूर्व क्रिकेटर लालचंद राजपूत बने अफगानिस्तान के कोच, मोहम्मद यूसुफ और हर्षल गिब्स को छोड़ा पीछे, बीसीसीआई ने की थी राजपूत के नाम की सिफारिश। विराट कोहली ने बच्चों के सामने खोले अपने बचपन के राज, कहा समर वेकेशंस में होमवर्क होता था बड़ा सिरदर्द, तमाम कोशिशों के बावजूद नहीं हो पाता था पूरा, क्रिकेट और बैडमिंटन खेलने में ही बीत जाती थी छुट्टियां। मोगा की क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर ने रचा इतिहास, विदेशी लीग में शामिल होने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर बनी, सिडनी थंडर्स ने साइन किया। यूरो कप में नॉकआउट राउंड के पहले मैच में पोलैंड ने स्विट्जरलैंड को पेनल्टी शूटआउट में मात दी, पेनल्टी शूटआउट में पोलैंड ने 5-4 से मैच जीत लिया। निर्धारित समय तक दोनों टीमें एक एक गोल की बराबरी पर थी, वहीं एक दूसरे रोमांचक मुकाबले में कड़े संघर्ष के बाद पुर्तगाल ने क्रोएशिया को शिकस्त दी।